नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ पुणे से जुड़ रहे हैं पुष्कर लेले जी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मझे हुए कलाकार कह लें या युवा कलाकार कह लें, ये अब आप इनसे बात करने के बाद तय करिएगा। उम्र के हिसाब से युवा कलाकार, लेकिन गले के हिसाब से, गायकी के हिसाब से मझे हुए कलाकार। पुष्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद मुझे इन्वाइट करने के लिए। और पहला जो बहुत ही बेसिक और बहुत ही बुनियादी मूलभूत प्रश्न होता है जो मैं सबसे पूछता हूं, लेकिन आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बताना चाहूंगा कि जो ये गायकी में सफर शुरू हुआ था, वो शुरू तो हुआ था दरअसल एक जैसे घर में हमारे बच्चे बजाते हैं हारमोनियम या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उनको जब कोई तोहफे में देकर जाता है, लेकिन फिर वो कितना
उसको गंभीरता से लेते हैं और कैसे उसकी साधना करते हैं और उस संगीत के साधक बन जाते हैं। पुष्कर जी इसका भी एक बहुत सशक्त उदाहरण है। पुष्कर जी कैसे, अब बताइए क्या है ये असल में किस्सा, कि वो हारमोनियम आया और हारमोनियम पर आपने कुछ बहुत ही प्रचलित धुनें जो हम सबके घर में बच्चे बजाते हैं, कोशिश करते हैं, जिनको भी संगीत का थोड़ा बहुत शौक है, और वहां से सफर शुरू हुआ। थोड़ा अपनी उन यादों को ताजा कीजिए। जी बिल्कुल, मैं शायद 3 साढ़े 3 साल तब मेरी एक बुआ थी, तो उन्होंने एक है माने उन्होंने एक बहुत छोटी सी एक 1.5 सप्तक की जो हारमोनियम होती है, मैंने आजकल ऐसी हारमोनियम मैंने देखी भी नहीं है, एकदम टॉय हारमोनियम जिसको कहते हैं, बस 1 या 1.5 सप्तक की, तो ऐसी उन्होंने भेंट मुझे दे दी कि बजा लेगा। तो उसपे मैं नर्सरी राइम्स जो किंडरगार्टन में हमको सिखाते थे और नेशनल एंथम ये सब जनगण मना वगैरह बजाता था, और जिस तरीके से मैं उसको बजाता था वो देख के मेरी माँ को एक्चुअली लगा कि ये कुछ अलग बात है, ये टैलेंट कुछ अलग लग रहा है। तो उन्होंने ये बहुत पहले स्पॉट किया, इसलिए मेरी तालीम भी शुरू जल्दी हुई। तो मेरे घर में एक मेरी बहन को सिखाने के लिए एक लेडी आती थी लाइट म्यूजिक, तो उनका मैं सुना करता था क्लासेस जो चलते थे। फिर बाद में उनकी मेरी बहन की मैं गलतियां निकालने लगा कि नहीं ये टीचर ने ऐसा नहीं ऐसे कहा था ऐसे सिखाया था, तो फिर वो टीचर बोली कि वो गलतियां निकालने के बजाय आप तुम खुद क्यों नहीं सीख लेते हैं, स्टार्ट लर्निंग। सो आई स्टार्ट लर्निंग विद हर। तो उनसे कुछ साल मैं मेरे ख्याल से 2-3 साल 3 साल उनसे जो लाइट गाने होते हैं मराठी हिंदी भजन अभंग इस टाइप के और लाइट म्यूजिक के, तो वो उनसे सीखा। और फिर साथ साथ की जब उम्र हुई तब हमारे घर के बगल में ही एक दत्त का मंदिर है, तो वहां पे मेरा पहला प्रोग्राम हुआ 1.5 घंटे का, तो जो भी कुछ टीचर ने सिखाया था वो सभी वहां पे मैंने गाया, और फिर वहां का जो रिस्पांस लोगों का मिला और काफी सारे लोगों ने कहा कि ये कुछ अद्भुत है, ये कुछ प्रोडिजियल टैलेंट लगता है, कोई सामान्य ये लड़का नहीं लगता, तो आप इसको सिखाइए, क्लासिकल सिखाइए जरूर, और इसको इसी में आगे शायद ये काम करेगा। तो फिर मेरी माँ ने काफी रिसर्च किया कि किन के पास गुरु कौन कौन अच्छे सिखा सकता है पुणे में, तो उस समय तो पुणे में एक ही नाम था, बहुत बुजुर्ग थे वो पंडित गंगाधर बुआ पिंपल खरे जी, माने उम्र के हिसाब से भी वो काफी बुजुर्ग थे उस टाइम पे भी, क्योंकि वो 80 के थे शायद और मैं 8 का था, तो दैट वाज द एज डिफरेंस। तो मेरी माँ उनके पास लेके गई कि आप कृपया इसको सिखाएं, तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं इतने छोटे बच्चों को मैं नहीं सिखाता, मेरी एक शिष्या है आपके घर के पास में, तो आप वहां उसको लेके जाइए, वो आप वो सिखाएंगे। तो मेरी माँ ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप एक बार इसको सुन लीजिए, अगर फिर भी आपको लगा कि कहीं और इसको मैं ले जाऊं तो मैं ले जाती हूँ। तो उन्होंने मुझे जो भी आता था मैंने एक हाथ दो शायद कुछ सुनाया होगा, मुझे भी याद नहीं अभी, पर वो सुनकर वो बोले कि नहीं नहीं ये मेरे पास ही आएगा, कल से क्लास चालू। तो पिंपल खरे गुरुजी के साथ मैं 8 साल रहा, और ग्वालियर घराने की जो फाउंडेशनल बेसिक और बहुत स्ट्रॉन्ग जिसको तालीम कहते हैं वो मुझे उनसे 8 साल में सीखता रहा, हफ्ते में 3 बार एक एक दो दो घंटे उनके पास जाके सीखा, तो इसलिए मेरा फाउंडेशन म्यूजिक का बहुत अच्छा हुआ, दूसरे गुरुओं के पास भी जाना हुआ, बिल्कुल, उस पर भी हम तो शुरुआत तो ऐसी हुई है। बिल्कुल उस पर आपके बाकी जो गुरु रहे और बड़े दिग्गज नाम हैं वो भारतीय शास्त्रीय संगीत में, बहुत ही सम्मानित नाम हैं, उन सब पर बातचीत करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें।
इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।